नाथनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक तेज गति से आ रहे मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी रंजीत यादव के पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। इस घटना से परिजनों का रो रोकर काफी बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया है। मतलब मेरा बेटा बैठा हुआ था पीछे और मतलब उधर से आ रहा था, स्पीड में आ रहा था ट्रैक्टर और मतलब आगे चक्का से मारा, मेरा बेटा गिर गया, मतलब चक्के चढ़ा दिया उस पर यार, लगा के भाग गया तुरंत स्पीड से। ड्राइवर सुधीर धारो यादव का काम हो रहा है, मुखिया जी का, प्रमोद मुखिया जी का काम हो रहा है, यहाँ भरा रहा है अपना अथी मिट्टी भरा रहा है। जो लड़का बाप का कौन बाप, ड्राइवर का बाप का नाम हुआ राजू मंडल, मेरा साजन, मेरा बेटा है साजन कुमार। उम्र? उम्र वही 7 साल हुआ। आपका कौन है? आपका मेरा बेटा हुआ, मेरा रंजीत नाम है, रंजीत मंडल। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बरारी वाटर वर्क्स के समीप हनुमान घाट में गंगा नदी किनारे छत विछत हालत में अज्ञात शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में आसपास के मोहल्ले के लोग गंगा नदी के किनारे पहुंचकर शव की शिनाख्त में जुट गए। बरामद हुए शव को कुत्ते ने बुरी तरह से नोच दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक कल शाम में शव गंगा नदी के किनारे लगा था, जिसे जंगली जानवरों और कुत्तों के द्वारा नोच कर छत विछत कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार हनुमान घाट पर अज्ञात शव बरामद हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। 10 दिन पहले भी एक बच्चे का शव इसी गंगा तट से बरामद हुआ था। हम आपको बता दें, बरारी वाटर वर्क्स के इस गंगा तट से भागलपुर शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में गंगा का पानी सप्लाई किया जाता है। जिस तरह से लगातार पानी सप्लाई होने वाले इलाके से अज्ञात शव बरामद हो रहे हैं और प्रशासनिक महकमा इस पर उदासपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, वो आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये मामला कब से यहाँ देखा जाता है? ये तो सर बहुत दिन से है। आखिर इस पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं? प्रशासन का ध्यान ना है, यहाँ खतरनाक का ध्यान नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है, भोर उठता मांगता है, सरकार को ध्यान ना दे रहा, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। प्रशासन खाली पकड़ गरम करने के चाहता है कि हमारा पकड़ गरम रहे। अच्छा, यहाँ पर कौन सा घाट है? हनुमान घाट है। हनुमान घाट कब से अक्सर ये घटना देखा जाता है? साल भर से, साल में तो कम से कम पता निकलता होगा। कब से ही बॉडी यहाँ देखा जा रहा है? ये बॉडी देखा जा रहा है संजुए से, ये बॉडी देखे ना तो आया हवा आंधी तूफान जो आया तो उसी में भस के आ जाता है बॉडी, तो कुत्ता सब जो है घींच करके ऊपर कर दिया, ऊपर करके बस उसके बाद जो है यहाँ पर कुत्ता बिलाई सब घींच के खाने लगा, तो आधा गोर खा गया, आधा टांग खा गया, आधा सब चीज़ खा गया है, मुंडी तक को भी खा गया, खाली धर बचा है। ये कौन क्षेत्र है? ये हनुमान घाट क्षेत्र है। ये हनुमान घाट है। हाँ। उधर पिपली धाम है। अच्छा, अच्छा। इधर पानी टंकी है। हाँ। यहाँ से पानी भी सप्लाई होता है? हाँ, पानी भी सप्लाई होता है, पानी सप्लाई हो करके क्षेत्र में पूरे होता है। कौन क्षेत्र में? पूरे ये सब भागलपुर में होता है, यहीं से पानी सप्लाई होता है। हाँ, यहीं से सप्लाई होता है। कितना दिक्कत होता है यहाँ के लोगों यहाँ को? पे बहुत परेशानी होता है, कोई यहाँ पे आम पब्लिक जो है न आ सकता है, न ला सकता है, जो कि बहुत प्रशासन से जो है ध्यान नहीं देता है। एक बार भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 5 दिवसीय भागलपुर क्रिकेट लीग 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मैच 30 मई से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सैंडिस कंपाउंड क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर मैच खेला जाएगा, टोटल 5 टीमें मैच में हिस्सा लेगी। तिलका मांझी फाइटर्स, बुढ़ाना टाइगर्स, घंटाघर चैंपियन, चंपानगर वॉरियर्स, मिर्जान किंग्स की टीम हिस्सा लेगी। 30 मई से 3 जून तक 5 दिन तक मैच चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 2 मैच खेला जाएगा और 5 दिन का यह टूर्नामेंट होगा। मैच का फाइनल मुकाबला 5 जून को होगा। फाइनल में पहुंचे रनर और विनर को ट्रॉफी दी जाएगी, साथ ही नगद राशि का चेक दिया जाएगा। पहला मैच तिलकामाझी फाइटर्स वर्सेस घंटाघर चैंपियंस के बीच खेला जाएगा। मौके पर जयशंकर ठाकुर, एनपी सिंह, अभिनंदन यादव, सम्राट आदर्श, राजीव सिंह यादव, अभिषेक यादव, प्रिंस यादव समेत काफी संख्या में खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद थे। फर्स्ट बार इन भागलपुर में इस तरह का मैच जो पूरी तरह आईपीएल के तर्ज पर ये आधारित है और जिस तरह से आईपीएल में
ये 2020 के हिसाब से जो मैच खेला जाता है उसी सेम उसी क्वालिटी से ये मैच जो है पूरी पूर्ण रूपेण IPL के तर्ज पे जो है ये आधारित मैच खेला जाएगा। और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में ये क्रिकेट का जो है आयोजन किया जा रहा है। और आगामी कल यानी कि 30/5/2022 को इसका भव्य शुभारंभ सुबह जो है 8 बजे हमारे ये संडिस कंपाउंड के ये ग्राउंड के ये क्रिकेट ग्राउंड जो देख रहे हैं आप लोग इसी ग्राउंड से जो इसका भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। और ये कल जो पहला मैच खेला जाएगा ये तिलका मांझी फाइटर और घंटाघर चैंपियंस के बीच में जो सुबह 7:30 बजे टाइम है, लेकिन ये 8 बजे से ये मैच शुरुआत है। 7:30 बजे जो है सारे प्लेयर को यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। 8 बजे यदि लेट करते हैं तो उनका जो है मैच में कुछ ओवर कम किया जाएगा, लेकिन लेट नहीं करना है। 7:30 बजे ही सबको यहाँ पे उपस्थित होना है। और दूसरा मैच जो है ये बूढ़ानाथ टाइगर्स और चंपानगर वारियर्स के बीच खेला जाएगा। इसी तरह से आगे का भी रूटीन है, ये 5 तारीख को फाइनल खेला जाएगा मैच। जो भी प्लेयर जो भी टीम इसमें फाइनल में पहुँचेगी 2 टीम फाइनल खेलेगा। फाइनल जो है हमारा 5 तारीख को इसका फाइनल होगा। और भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को बट सावित्री पूजा को लेकर बाजार में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना के लिए सुबह से ही चौक बाजार में पूजा पाठ की सामान सहित फल की जमकर खरीदारी की। महिलाओं ने बताया कि अगले वर्ष से इस वर्ष सामानों की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है, महंगाई आसमान छूने लगी है। आम के फल 150 रुपये किलो, डलिया 100 रुपये, पंखा 50 रुपये, लीची सहित अन्य पूजा के सामानों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगले साल से महंगाई भी है, महंगाई का ज्यादा है। 100 रुपये 100 किलो मिलता है। और हर एक सामान में मतलब ज्यादा करके ज्यादा दाम में दिया जाता है। महंगाई बढ़ा है अगले साल लॉकडाउन के बाद जो है महंगाई बढ़ा है लॉकडाउन। किलकारी बिहार बाल भवन जगलाल उच्च विद्यालय परिसर कंपनी बाग के द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप कोरोना काल के बाद इस साल किया जा रहा है। इससे पहले ऑनलाइन क्लास के द्वारा बच्चों ने कई प्रतिभाओं को सीखा था। समर कैंप 18 जून तक चलेगा। बताते चले कि इस समर कैंप में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। समर कैंप के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उप महापौर राजेश वर्मा ने दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में समर कैंप के बच्चों के द्वारा चकई के चकदुम नाटक की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में दर्जनों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। किलकारी बाल भवन की कार्यक्रम समन्वयक अभिलाषा कुमारी ने कहा कि यहां के बच्चे कम संसाधनों में अच्छा गुण अर्जित करते हैं और उसकी प्रस्तुति देकर लोगों को कई बिंदुओं पर कई विषयों पर जागरूक करने का काम करते हैं। रूप में डिप्टी मेयर श्री राजेश वर्मा जी उपस्थित थे, साथ ही शहर के सभी गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। और ये 29 से स्टार्ट किया गया है और जो कि 18 जून तक कंटिन्यूसली चलेगा। और समर कैंप आयोजन का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हमारे आसपास में हैं और जो अपने नानी घर दादी घर या जो भी अपने रिलेटिव्स के घर आए हैं उन बच्चों को भी हम लोग लाभान्वित कर सकें। और ये बिल्कुल निःशुल्क है और हमारे यहाँ कुल 10 विधाएँ की अभी प्रशिक्षण कंटिन्यूसली चल रही है। मालवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा के द्वारा गौशाला प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सत्र 2022-23 की घोषणा हुई, जिसमें अध्यक्ष अभिषेक जैन, उपाध्यक्ष समृद्ध बजाज, संजीव मावाड़िया, सचिव राहुल अग्रवाल, सह सचिव सुधांशु और अंकित भिवानीवाला, कोषाध्यक्ष आयुष केजरीवाल, सह कोषाध्यक्ष प्रकाश टिबरेवाल और PRO कौशल सिंघानिया के नाम की घोषणा की गई। मालवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने कहा कि हमारी संस्थान का मुख्य उद्देश्य है समाज को विकास के रास्ते पर ले जाना। हम लोग अमृत धारा कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रम कर समाज में नई दिशा देने का काम करते हैं। मालवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा सत्र 2022-23 के कार्यकारिणी की मैं घोषणा कर रहा हूँ। अध्यक्ष मैं खुद अभिषेक जैन, उपाध्यक्ष रचित बजाज, संजीव मावंडिया और अभिषेक सफर जी को बनाया गया है। सचिव युवा राहुल अग्रवाल जी हैं, सह सचिव सुधांशु शेखर और अंकित भिवानीवाला को बनाया गया है। कोषाध्यक्ष हमारे भाई युवा आयुष केजरीवाल और सह कोषाध्यक्ष प्रकाश प्रशांत टेकरीवाल को बनाया गया है। PRO रोशन सिंघानिया को बनाया गया है। अंकित चूड़ीवाला को सदस्यता प्रभारी दिया गया है। निम्नलिखित कार्यकारिणी और भी लोग बने हैं, जैसे युवा सूरज अग्रवाल, युवा पवन काली, युवा अंकित चूड़ीवाला, सब ने कार्यकारिणी का सदस्य मैंने गठन किया है।
भागलपुर के स्थानीय मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज असानंदपुर के प्रसाल में वैकल्पिक मोर्चा के द्वारा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में ध्यान आकृष्ट करने के साथ केंद्र और सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करना था। सम्मेलन में वक्ताओं ने देश में बढ़ रहे महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार को ठहराते हुए कहा, केंद्र और राज्य सरकार को अपनी जनता और आवाम से कोई लेना देना नहीं है, केवल उन्हें अपनी सत्ता प्यारी है। चुनाव के समय जनता को दिग्भ्रमित कर सत्ता पाने का काम करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचरण ने एवं मंच संचालन मनोज मीता ने किया।